हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के बारे में, जो ग्रुप वन कॉस्टिंग में है। तो इस चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं लगभग 7 या 8 मार्क्स तक के, और ये हर अटैम्प्ट में आ रहे हैं। जून दिसंबर ये दोनों अटैम्प्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। अब प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ऑपरेशन कॉस्टिंग देखता है, उसमें से उसको क्या बोलते हैं, विच इज यूज, कहाँ यूज होता है, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होंगे उन सब की कॉस्ट कितनी होगी, और जितने स्टेजेस होंगे, हम प्रोसेस को स्टेज भी बोल सकते हैं, जितनी प्रोसेसेस होंगी उतनी उसकी कॉस्ट होंगी, है ना। स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ पे, जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, मान लो एक बारे में, तो पहले प्रोसेस वन में गया, प्रोसेस वन में जो कॉस्ट आई, फिर प्रोसेस टू में जाएगा, फिर प्रोसेस टू में जो कॉस्ट आई प्रोसेस थ्री में जाएगा, ऐसे ही ऐसे प्रोसेस में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, ये प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू है, और ये प्रोसेस थ्री है। तीनों प्रोसेस में जब कोई प्रोडक्ट बन के निकलेगा, तो इस प्रोडक्ट का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आई, फिर इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, तो ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा है। This method of accounting used in industries where the process of manufacture is divided into two or more process. अभी जो method है process costing, ये कहाँ use होता है, industries में use होता है। कहाँ use होता है, industries में, और industries where the process of manufacture, जो process of manufacture होते हैं कितने में divide होते हैं, दो या दो से ज़्यादा में divide होते हैं। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसे क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। और हमें निकालना है यूनिट ऑफ कॉस्ट फॉर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के बारे में, एवरी प्रोसेस के बारे में, ठीक है। यूजली द इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज आर टेक्सटाइल, ऑयल इंडस्ट्री, सीमेंट एंड फेरासिटिकल, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होती हैं। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, जहाँ टेक्सटाइल हो, टेक्सटाइल मतलब जहाँ पे ये बनती नहीं है, टेक्सटाइल ईंटें बनती हैं, और जो हमारे नहीं लगते छत के ऊपर जो लगते हैं सीमेंट वीमेंट बनते हैं, ये कॉन्क्रीट वगैरह जहाँ बनते हैं, ये वहाँ पे यूज होता है। और टेक्सटाइल से ये भी समझ आते हैं, जो फर्श होता है ना, फर्श पे जो पत्थर बिछी होती हैं वो भी बनता है, तो वो टेक्सटाइल हो गया। ऑयल इंडस्ट्री, जितनी भी ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई वो वहाँ पे, सीमेंट वगैरह पे हो गया, एंड फेरासिटिकल जो दवाइयाँ जहाँ बनती हैं वहाँ पे भी ये यूज होता है, और एटसेट्रा, और भी ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इसके फीचर्स क्या हैं ये देख लेते हैं। फीचर्स हैं, क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल कॉस्ट बाय द कॉस्ट सेंटर। दूसरा क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ यूनिट एंड पार्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट इंकर्ड बाय ईच प्रोसेस। द मेंटेन एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी एकदम एक्यूरेट, एकदम सही मेंटेन करना होगा, ऑफ यूनिट एंड पार्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड कॉस्ट इंकर्ड बाय ईच प्रोसेस। हमें सभी यूनिट के, सभी पार्ट ऑफ यूनिट के, जो यूनिट हैं उनके पार्ट ऑफ यूनिट के जितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं और जितनी कॉस्ट इंकर्ड, मतलब जितना एक्सपेंसेस लगा है, हम उन सब के अलग अलग, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सबके अलग अलग हमें कॉस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल लॉसेस यूजली अराइज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर वेरियस रीजन। अब अवॉइडेबल होते हैं जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं जो नॉर्मल लॉस होते हैं। अगर ये जो कोई लॉसेज हैं ये अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग जगह से निकलती है,
तो इसके अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं। मान लो किसी एक प्रोसेस में मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे कुछ डिफेक्ट प्रोडक्ट बन गया, तो कोई लॉस हो गया, तो वहाँ पे ये मतलब निकलता है। ठीक है, तो ये फीचर समझ लिया, इंट्रो समझ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसका कि नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है। इसका यूज़ क्वेश्चन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज़ द लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये जो लॉस होता है, ये कौन सा लॉस होता है? ये लॉस जो है ये अनअवॉइडेबल अकाउंटिंग है, मतलब ये अनअवॉइडेबल है, मतलब इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड का मतलब ये होता है कि हमने ना जो अवॉइड वाला लॉसेज है, जैसे एबनॉर्मल लॉस है वो अवॉइडेबल होता है, तो हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिफेक्टिव पीस बनेगा या कोई लॉस हो जाता है, तो हम उसका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लॉस होता है उसका हम क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए वो अनअवॉइडेबल होता है। ठीक है, सच लॉसेज कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल डाटा। द नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज रिकॉर्डेड ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूजेबल प्रोडक्शन इज अ इंक्रीज अकॉर्डिंगली वेयर द स्क्रैप पोजेस सम वैल्यू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और एज अ रॉ मटेरियल फॉर एन अर्लियर प्रोसेस द वैल्यू देयर ऑफ इज क्रिएटेड टू द प्रोसेस अकाउंट दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट एंड प्रोसेस लॉस इज शेयर्ड बाई यूजेबल यूनिट। ठीक है, अब हमें बताते हैं एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस बताया मैंने, जो अवॉइड कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमने उसका इंश्योरेंस पहले से ही करवा रखा है। नॉर्मल लॉस जो होता है उसका हमने इंश्योरेंस करवा नहीं रखा है, इसलिए वो अनअवॉइडेबल होते हैं। दूसरी बात ये है कि नॉर्मल लॉस हमें पता होता है कि ये लॉस यहाँ पे होना है, तो इसलिए हम इसे अनअवॉइडेबल कहते हैं, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक। अब ये क्या कहता है कि एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या है? एनी लॉस कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड, ये भी अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता नहीं है कि ये हो जाएगी, अंदाज़ा है कि होगा ये नहीं होगा, ये हमें अनएक्सपेक्टेड है। और एबनॉर्मल कंडीशन सच एज अ प्लांट एंड ब्रेक डाउन सब स्टैंडर्ड मटेरियल केयरलेसनेस एक्सीडेंट। कैसे जगह अगर प्लांट ब्रेक डाउन में आ गया, मान लो कोई मशीन ख़राब हो गई, वो खड़ी हो गई, तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता नहीं है कि मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, या कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर हमने ढंग से उस चीज़ की केयर नहीं की थी इसलिए वो ख़राब हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है और वो एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस कहलाती है। और लॉस इन एक्सेस ऑफ द मार्जिन एंटिसिपेट फॉर नॉर्मल लॉस शुड बी रिकॉर्डेड एज एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस द यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन आर कैलकुलेट एंड एज अंडर। अब जब अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस और या गेन आए तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एबनॉर्मल लॉस और गेन गिवन है, एबनॉर्मल लॉस हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा टोटल लॉस आएगा उसमें से हम नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा एबनॉर्मल लॉस बचेगा। द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस शुड बी डन विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब हमें वैल्यूएशन निकालनी, अब हमें वैल्यू करने हैं किसकी? एबनॉर्मल लॉस की। अब वो कैसे निकलेगा? ऐसे, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो नॉर्मल आउटपुट आया, जो हमारा नॉर्मल लॉस आया उसकी जो कॉस्ट, अपॉन में जो नॉर्मल आउटपुट, पहले हम नॉर्मल कॉस्ट लेंगे, डिवाइड में करेंगे नॉर्मल आउटपुट इनटू जो यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस होगा, और जो यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो यूनिट निकलेगा उसका, उसी से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल कॉस्ट की नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में समझ गए, फीचर समझ गए, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं ये समझ गए। अब हमें जानना है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, ये छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म। दिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। ये क्या दिखा, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि ये कंप्लीटेड यूनिट है। क्या दिखाता है? ये प्रोसेस इज इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट।
In other words, it means converting the incomplete production unit into its equivalent of complete unit. In each process, an estimate is made of the percentage completion of any WIP, matlab working progress. A production schedule and a cost schedule will then be prepared. It is most important that this estimate is as accurate as possible, because a mistake at this stage would affect the stock valuation used in the preparation of final account. अब हमें equivalent unit of work in progress निकालना है. कैसे निकालेंगे? Equivalent unit of work in progress निकालना कैसे निकालेंगे? Actual number of unit in process of manufacture, जो भी हमारा actual number of unit हमें manufacture हुआ है process से, process होके जो हमारा actual number of unit manufacture हुआ है वो, और हमें multiply कर देंगे किसे? Percentage of work completed. कितना हमारा percentage of work complete हुआ? मान लो यहाँ पे ये हमारा है 800 यूनिट और परसेंटेज ऑफ वर्क हुआ 60% वर्क कंप्लीट हुआ है, तो कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 480 हो जाएगा. हाँ यही होगा ना, देखते हैं 800 × 60%, हाँ 480 आ रहा है. ठीक है, तो ये 480 यूनिट हमारा इक्वलेंट यूनिट प्रोडक्शन वर्किंग प्रोग्रेस है. ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे. तो प्रोसेस कॉस्टिंग में इतना ही मेन है, बाकी और कुछ मेन नहीं है. बाकी हम जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको थ्योरी लिखवा दूँगा, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स. जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स क्या कहलाता है? पहले जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स के डिफाइन कर देते हैं क्या है. टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग each having of a sufficiently high value to merit recognition as a main product. यहाँ पे joint product क्या and by product क्या है? Joint product मतलब ये है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा product हो लेकिन अलग अलग हो. मान लो A B है तो A अलग है, B अलग है, C D है तो C अलग है, D अलग है. ऐसे ही joint and by products होते हैं. Joint products imply that they are produced from the same basis raw material are comparatively of equal importance are produced simultaneously by a common process and may require further processing after the point of separation. Separation मतलब अलग 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 अलग, ये होता है अलग अलग होता है. ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं joint and by products के? joint products are the result of utilization of the same raw material and the same processing operation. The processing of a particular raw material may result into the output of two or more product. Phir some of joint products may require further processing or may be sold directly after the split of joint. Third kya hai, the management has little or no control over the relative quantities of the various products that will रिजल्ट. तो ये डेफिनेशन यहाँ तक इसका, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है, और ये इसके फीचर्स हो गए. अब क्या कि जॉइंट प्रोडक्ट हो गया. अब एक बार हम जानते हैं कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है. बाय प्रोडक्ट का मतलब इज ए सेकेंडरी प्रोडक्ट. पहले जॉइंट प्रोडक्ट आता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, अब आता है बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट वो होता है जो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है. बाय प्रोडक्ट को मैं अपने एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ. लेमन लैंग्वेज में जान लो क्या होता है. मान लो हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हम बनाते हैं ए बी नाम का एक प्रोडक्ट. ए बी नाम का हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, ए बी नाम का हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक, अब उसी के ए बी को बनाते बनाते हमारा एक बन गया सी प्रोडक्ट. ए बी को बनाते बनाते हमारा बन गया सी प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को ही हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट. जिसको हमने नहीं बनाया, जिस प्रोडक्ट को हमने नहीं बनाया वो खुद ही बन गया, तो उसे हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट. ठीक है, ये लेमन लैंग्वेज है, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है. हमने ए बी प्रोडक्ट बनाया, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमने ए बी प्रोडक्ट बनाया और उसी के साथ साथ में एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम सी है, और उसी प्रोडक्ट जो अपने आप बन गया उसे ही हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट. ठीक है, अब क्या है,
बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल एंड द सेम प्रोसेस ऑपरेशन बट दे आर अ सेकेंडरी रिजल्ट. अभी मैंने यही कहा कि हम ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन वो उसी में से निकल गया दूसरा प्रोडक्ट, तो वो बन गया सी प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट बन गया एक्स वाई जेड, जो भी प्रोडक्ट बन गया, हम कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी के साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट. यहीं पे लिखा है ना, देखो, जो सेम रॉ मटेरियल से निकलता है, सेम प्रोसेस ऑपरेशन से निकलता है, लेकिन वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी रिजल्ट कहलाता है, उसी को हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट कहते हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज दैट देयर इज नो इंटेंशन टू प्रोड्यूस द बाय प्रोडक्ट वाइल द जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इनइंटेंशनली. तो समझ में आ गया कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है. बाय प्रोडक्ट वो होता है जो हमारा इंटेंशन नहीं है. नो इंटेंशन टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, नो इंटेंशन टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, बट ये इनइंटेंशनली, हमारा इंटेंशनली नहीं है, इनइंटेंशनली ये प्रोड्यूस हो जाता है. हमारा इंटेंशन नहीं होता ये प्रोड्यूस करने का, ये अपने आप ही प्रोड्यूस्ड हो जाता है. ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो एक प्रोडक्ट बनाया दूसरे प्रोडक्ट अपने आप निकल गया, उसे कहते हैं हम बाय प्रोडक्ट. ठीक है, समझ में आ गया. अब बाय प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है, ये तो हमारा एक लिखने का तरीका था, जो समझाने का तरीका था लेमन लैंग्वेज में, तो मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, तो अब बताते हैं बाय प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका. अ प्रोडक्ट विच इज रिकवर्ड इंसिडेंटली फ्रॉम द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रिकॉग्नाइज मेन प्रोडक्ट सच एज अ हैविंग आइदर अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू और अ यूजेबल वैल्यू विच इज अ रिलेटिवली लो इन अ कंपेरिजन विद द सेलेबल वैल्यू ऑफ द मेन प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट में फर्दर बी प्रोसेस्ड टू इंक्रीज देयर रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है इसको याद कर लेना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा. मान लो बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है 2 या 3 नंबर में अगर वो पूछे तो, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ देगा कि इसमें कहीं वर्ड निकाल देगा और डाल देगा, तो एमसीक्यू में टिक करना होगा. इसको भी पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि बाय प्रोडक्ट्स क्या है. अब क्या आता है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो जो यूज़ होने हैं. तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि इन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग द जॉइंट प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग मेथड मे बी अडॉप्टेड. अब हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस होंगी. जैसे क्या क्या कैलकुलेशंस है कि जब हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और साथ में किसको, जॉइंट प्रोडक्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इन मेथड को अडॉप्ट करेंगे. तो पहला मेथड है द जॉइंट कॉस्ट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, हाँ क्वांटिटी. किस में हम बांटेंगे इसे, वेट में और क्वांटिटी में, फॉर ऑफ वेरियस जॉइंट प्रोडक्ट्स और वेरियस जॉइंट प्रोडक्ट्स में. जॉइंट कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड. अब जॉइंट कॉस्ट हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारा क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी रेशियो में, रेशियो की क्वांटिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. मेथड टू क्या है, मेथड टू है कि सेल वैल्यू एट अ सेपरेशन पॉइंट. अब सेल वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट है, पॉइंट मेथड जो है वो हमें ध्यान देना है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू. अब जो जॉइंट कॉस्ट है इस वाले मेथड में, जॉइंट कॉस्ट जो है हमें किस में बांटना है, मार्केट वैल्यू में, मतलब सेल वैल्यू में बांटना है ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन पॉइंट. जॉइंट कॉस्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यू एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, अब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए तरीका है कि नंबर ऑफ पॉइंट यूनिट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, जितना हमने नंबर ऑफ यूनिट बनाया है और उसी को हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जाएगा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अब हमें निकालना है कि NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है. तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट अ सेपरेशन पॉइंट. NRV इज ए क्या, सेपरेशन पॉइंट. अब हमें NRV कैसे निकालना है, जो हमारा सेल वैल्यू होगा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारी सेल वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा
और हमारा जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, जो आगे कॉस्ट लगेगा वो यहाँ पे आएगा, उसका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा NRV। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट्स में इतने ही मेन पॉइंट्स हैं। और तो और जो हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग और सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग में जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप थ्योरी को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। तो हम क्विकली क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपके यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।